अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा एक इस किताब से सबक नंबर 16 पानी इस सबक के सवाल और जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्या करेंगे भला, जमीन की ढलवान के सबब बागीचे की मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। इसका जवाब है, जमीन की ढलवान के सबब बागीचे की मिट्टी बह न जाए इसके लिए छोटे पौधे और झाड़ियाँ उगा सकते हैं। घास भी उग जाए तो मिट्टी के बहाव को रोक सकती है। अगर जमीन सख्त और पहाड़ी की तरह सख्त हो तब भी घास तो उगी आती है। इस बात की एहतियात करेंगे कि पौधों को पानी देते वक्त पानी आहिस्ता से डालें। बहुत तेजी से पानी डालने पर भी मिट्टी का बहाव मुमकिन है। बे, आइए दिमाग पर जोर दें। बारिश का पानी जमीन में जज्ब हो इस मकसद के लिए सड़कें और फुटपाथ किस तरह तामीर करेंगे? इसका जवाब है, अगर सड़कें और फुटपाथ सीमेंट और कंक्रीट की बनाई जा रही हो या सख्त टाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा हो तब सड़कों और फुटपाथ के मुतवाजी कुछ खाली जगह इस तरह छोड़ दी जाए। सड़कों और फुटपाथ के दरमियान चौकोर हिस्सों में जमीन खाली छोड़ दी जाए। इस तरह बारिश का पानी जमीन में जज्ब होने की गुंजाइश रहेगी। अगर सड़क मुतवाजी पानी की निकासी का नाला हो तो उसे सख्त न बनाएं। पानी जज्ब होने की गुंजाइश रहेगी। सीमेंट के ब्लॉक और टाइलें जोड़ते वक्त उनके दरमियान भी तंग जगह छोड़ सकते हैं। बे, दर्ज ज़ेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर एक, कहत में कैसे हालात पैदा होते हैं? इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा। नंबर एक, कहत या खुशहाली में आबी ज़खीरों की सतह बहुत कम हो जाती है या उनमें से कई सूख जाते हैं, जमीन भी खुश्क हो जाती है। नंबर दो, ऐसी हालात में इंसानों और जानवरों को पीने की पानी की किल्लत महसूस होती है। नंबर तीन, पानी की कमी की वजह से ज़िराअत के लिए भी पानी नहीं मिलता। नंबर चार, इंसानों और जानवरों को अनाज और चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत की जानिब से कहत से मुतासिर लोगों और हैवानात को आर्जी तौर पर महफूज मकाम पर भेजा जाता है। नंबर दो, बारिश के बाद भी पानी हासिल हो इसके लिए हुकूमत और अवाम मिलकर कौन से काम करते हैं? इसका जवाब है, नंबर एक, बारिश के बाद भी पानी ज़मीन में जज्ब होने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की जाती है, बड़े बंद तामीर किए जाते हैं। नंबर दो, जहां बंद तामीर करना मुमकिन नहीं होता वहां छोटे आबी ज़खीरे तामीर किए जाते हैं। नंबर तीन, छोटे तालाब बनाना, ढलवान पर छोटे छोटे बंद बांधना, आड़ी नालियां खोदना, गांव के चश्मों और नालों पर बंद बनाकर पानी को रोकना जैसे काम हुकूमत और अवाम मिलकर करते हैं। नंबर तीन, बारिश का पानी किस लिए रोकना पड़ता है? इसका जवाब है, नंबर एक, साल भर पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बारिश के पानी को रोकना पड़ता है। नंबर दो, पानी को रोका जाए तो वो ज़मीन में जज्ब हो जाता है। नंबर तीन, ज़ेर ज़मीन पानी का ज़खीरा बढ़ने पर दरख्तों को पानी मिलता है। नंबर चार, इसी तरह कुओं को भी पानी मिलता है और ज़िराअत में आबपाशी करना मुमकिन होता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर बारिश का पानी रोकना पड़ता है। नंबर चार, पानी का एहसन इंतज़ाम किसे कहते हैं? इसका जवाब है, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा जमा किया जाता है। दस्तियाब पानी का किफ़ायतशारी से इस्तेमाल करना और बारिश के पानी को रोक कर ज़मीन में जज्ब करना या टंकियों में ज़खीरा करना अहमियत रखता है। इन तरीक़ों से पानी बारिश के मौसम के बाद भी हासिल हो सकता है। इन तरीक़ों के इंतज़ाम को पानी का एहसन इंतज़ाम कहते हैं।
दाल सही है या गलत बताइए। गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। नंबर एक, हमें साल भर बारिश का पानी दस्तियाब होता है। ये सही है क्या जुमला? नहीं, गलत है। हमें इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, हमें साल भर में सिर्फ 4 महीने बारिश का पानी दस्तियाब होता है। नंबर दो है, हुकूमत की जानिब से कहर से मुतासिर लोगों और हैवानात को आजी तौर पर महफूज मकाम पर भेजा जाता है। ये जुमला सही है।